और उलमा इकराम ने पहचानने के लिए बिदतों को 7 टाइप्स करके बताया है ताकि तुम इसको देखकर पहचानो कि वो कौन सी कैटेगरी में फिट हो रही है। तो मैं आपको ये 7 टाइप याद कराना चाहता हूं, अगर थोड़ा सा ध्यान दो इंशाल्लाह 7 टाइप याद हो जाएगी। फर्स्ट टाइप कि कोई ऐसा काम होता है जिसका वक्त जमान तय किया जाए जो कुरान हदीस में तय नहीं है। देखिए जो चीज का जो जमान है उसका वक्त जो है तय है कुरान हदीस में वो कबूल है। मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ते हैं, नमाज का टाइम फिक्स है, रोजे रखते हैं रमदान के, उसका वक्त फिक्स है रमदान, हज का वक्त फिक्स है। किसने फिक्स किया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, कुरान में हदीस में है, वही के तहत आया। लेकिन कोई अगर खुद की तरफ से फिक्स करे कि जैसे कोई कहे कि रात के 12 बजे उठ के काम करो बहुत सवाब मिलेगा, हाँ, या हर महीने की पहली जुमेरात को करो बहुत सवाब मिलेगा, हदीस है तो हम कबूल करेंगे, 12 बजे हो क्या 1 बजे भी उठेंगे। लेकिन अगर हदीस नहीं है, आदमी ने खुद की तरफ से निकाला है और फजीलत बता रहे हैं, या तो लाजिम कर रहे हैं या तो फर्ज कर रहे हैं या तो मुस्ताब कर रहे हैं। देखो ये बात याद रखो, कोई कहे कंपल्सरी 12 बजे उठना पड़ेगा, गलत है कि नहीं है? और अगर कोई कहे नहीं उठोगे तो अच्छा है सवाब मिलेगा ज्यादा, 12 बजे उठोगे और दुरूद पढ़ोगे 12 बजे, ठीक 12 बजे दुरूद पढ़ो ज्यादा सवाब मिलेगा, फर्ज नहीं है मिलेगा सवाब मिलेगा, तो गलत है कि सही है? तो भी गलत है। क्यों? दुरूद पढ़ना गलत है, अच्छा काम है। लोग क्या देखते हैं, अरे दुरूद ही तो पढ़ रहे हैं। लेकिन दुरूद पढ़ना हम गलत नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये जो टाइम है ना टाइम, उसके लिए मोहर चाहिए कुरान हदीस से, प्रूफ चाहिए कुरान हदीस से। टाइम आप कैसे फिक्स कर सकते हो? आपको वही मिलती है क्या? हर महीने का पहला जुमेरा कैसे फिक्स किया आपने? या आपने मिसाल के तौर पर रात के 12 बजे का टाइम कैसे फिक्स किया? अच्छा ये बताइए, आपके इस एरिया में कोई हफ्तावारी प्रोग्राम होता है? होता है, मिसाल दो, कोई हो रहा है प्रोग्राम, जुमा सनीचर कोई दर्स है प्रोग्राम है हफ्तावारी? अच्छा कई जगहों पर हमारे इस्लामिक सेंटर में हर संडे बाद नमाज मगरिब हम लोग दर्स रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि संडे लोगों का छुट्टी का दिन होता है तो लोग आसानी से आ सकते हैं और जुड़ सकते हैं। सही है गलत है? अभी तो कहा टाइम फिक्स नहीं करना चाहिए, कौन जवाब बता सकता है? कंपल्सरी नहीं बोल रहे हम लोग कि संडे को सेंटर पे आना फर्ज है, नहीं कह रहे। अगर कह दे तो गलत हो जाएगा, और अगर सवाब बता दे बोले संडे को बाद नमाज मगरिब प्रोग्राम करने में बहुत सवाब मिलता है, तो गलत है कि नहीं है? हाँ अभी तो कह रहे थे नहीं है, अभी आप लोग कह रहे हैं कि है, कैसे फर्क क्या है? सवाब आप बता दिए ना। अब हम लोग ये दर्स रख रहे हैं रोज ईशा के बाद रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं ईशा बाद? सहूलत के एतबार से। लेकिन अगर कोई कह दे आपका स्टूडेंट कहे कि ईशा के बाद दर्स करने में बहुत सवाब मिलता है, तो फिर दलील देनी पड़ेगी। कोई चीज सामने आए टाइम फिक्स से कैच करोगे इंशाल्लाह। फर्स्ट पॉइंट टाइम, सेकंड पॉइंट मिकदार नंबर। कोई चीज का नंबर जो कुरान और हदीस में फिक्स है वो कबूल है। जैसे 4 फर्ज पढ़नी है, 2 सुन्नत पढ़नी है, जैसे अस्कार पढ़ रहे हैं सुभान 33 बार पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार पढ़ना है, जो नंबर फिक्स किया किसने फिक्स किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिक्स किया, वो कबूल है। लेकिन अगर कोई अपनी तरफ से फिक्स करे 124,000 बार पढ़ो, मालूम है आपको मैंने क्या नोटिस किया है, ये जो नंबर है ना अक्सर बड़े बड़े नंबर मिलते हैं, 1,000 बार पढ़ो। अब आदमी मेहनत करके 124,000, ठीक 124,000 बार पढ़ता है, लेकिन ये नंबर कुरान हदीस से है क्या? हाँ नहीं है। क्या हमें डर नहीं लग रहा है? फहुआ रद वाली हदीस याद है कि नहीं याद है? कुल्लु बिदअतिन दलाला। नंबर आप फिक्स कर रहे हो, फर्ज बताओ या सुन्नत बताओ, लेकिन नंबर फिक्स करने की इख्तियार नहीं है, दीन इबादत है। हाँ दुनियावी चीजों में कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर लाइट है, आपके घर में 3 ट्यूबलाइट लगी है, 3 नंबर, 3 की जगह आप 4 ट्यूबलाइट लगाओ, सही है गलत है? सही है, आपका घर है आप लगाओ कोई मसला नहीं, 3 लगाओ 4 लगाओ, लेकिन अगर कहो 4 ट्यूबलाइट लगाने में बहुत सवाब मिलता है, हो जाएगा गलत। जहां दीन को लाओगे ना तो कुरान हदीस से प्रूफ देना पड़ेगा, समझ रहे आप? दुनिया का मामला है ना, वहां तक करो। आपके शर्ट में 5 बटन है कि 6 है? 5 हो या 6 हो कोई प्रॉब्लम नहीं, दुनिया का मामला है कि दीन का मामला है? दुनिया का मामला है। देखो आप लोगों को फर्क करने आ गया ना कि दीन कहां है दुनिया क्या है। जहां दीन की बात है इबादत की बात है ना, वहां नई चीज लाएंगे ना फहुआ रद्द हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगी। याद रहेंगे 2 टाइप इंशाल्लाह। फर्स्ट टाइप क्या है? टाइम। सेकंड पॉइंट क्या है? नंबर। थर्ड चीज जगह। जैसे कोई जगह कुरान हदीस में फिक्स है, मिसाल के तौर पर तवाफ
कहां करना है? मक्का। काबे का तवाफ करना है, सही। कहां करना है? सफा मरवा। सही है कि नहीं? जगह फिक्स है। अगर कोई कहे कि नहीं मेरे पास उतना बजट नहीं है, उतने पैसे नहीं जाने के लिए, मैं यहीं पर लंबा चक्कर मार लूंगा, चलेगा? सही। नियत अच्छी नियत है तो हाँ, मिलेगा अजर के नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? सजा। फहुआ रद्द, दलाला। याद है ना सब पॉइंट्स? कई सारी जगहें हैं मेरे भाइयों जहां लोग तवाफ कर रहे हैं आज। आज मुस्लिम ममालिक में ऐसी कई जगह है जहां तवाफ होता है, और जब उनसे कहा जाता है कैसे तवाफ कर रहे हो, बोले तवाफ ही तो है, साबित है। हाँ साबित है तवाफ, लेकिन कहां का तवाफ साबित है? सिर्फ काबे का तवाफ साबित है। उसी तरह मीकात। तो अगर कोई कहे 12 बजे उठकर 12 बार दरूद पढ़ो टेरिस पे जाकर, कितनी सारी चीजें हैं नई इसमें बताइए। टाइम, नंबर, प्लेस, तीन चीजें गलत हो गई। फहुआ, अभी आप दरूद पढ़ रहे हो, आपका दरूद भी वेस्ट हो रहा है। आपका दरूद आपने पढ़े इतने अच्छे से पढ़े हो, गया क्यों? गया क्योंकि आपने इतनी सारी दिन में नई नई चीजें लेकर आए, कहां से मिलेगा? हाँ। चौथी चीज, फर्स्ट क्या थी? देखे पढ़े बताओ, चलो। टाइम नंबर दो, नंबर, प्लेस नंबर चार, मटीरियल। मटीरियल जैसे बास चीजों का मटीरियल कुरान हदीस में मिलता है। हम ईद उल अजहा आती है, कुर्बानी करते हैं, जो जानवर साबित है वही जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। अब अगर कोई कहे कि आजकल लोग मुर्गी ज्यादा पसंद करते हैं, चिकन का आज आपने देखा होगा लोग ज्यादा पसंद करते हैं, और कोई कहे मैं उतने रुपये की मुर्गियां खरीद के वो जबा करूंगा अल्लाह के लिए, तो क्या होगा? क्यों? पैसे तो खर्च कर रहे हैं, मटीरियल बदल दिया। और बाज लोग क्या कहते हैं आज? कहते हैं देखो कोई कुर्बानी नहीं, सीधा पैसे दे दो चैरिटी में, सदके का अजर मिल सकता है, लेकिन वो कुर्बानी अगर बोलोगे मैं कुर्बानी किया, नोट पे चला दिया छुरी, नहीं चलेगा ऐसे। हाँ, वो चीज क्या हो गया? फहुआ रद्द, मटीरियल। आप देखोगे जो लोग हज करने जाते हैं तो जमरात को कंकर मारना होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकर की साइज तक बताया। अब हम क्या देखते हैं, कई सारे लोग जो यहाँ के खासतौर से इस एरिया से आते हैं, वो लोग जमरात के पास जब पहुंचते हैं तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और चप्पल जूते वगैरह कुछ भी फेंकते हैं। तो क्या हुआ? मटीरियल बदल गया। फहुआ, अभी बोले उससे तो बड़ा मैंने फेंका, लेकिन आपने मटीरियल बदल दिया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? टाइम, नंबर, जगह, प्लेस, नंबर चार मटेरियल, नंबर पांच कैफिया, तरीका, कंडीशन, कि कोई चीज कर रहे हो कैसे कर रहे हो। मिसाल के तौर पर बाज लोग मस्जिद हरम जब जाते हैं तो लास्ट में जब निकलते हैं तो उल्टे पांव निकलते हैं। ये करने का तरीका है ना, निकलने का तरीका। अब ये तरीका भी कुरान हदीस से होना चाहिए। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हम सब करेंगे वैसे, नो प्रॉब्लम, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो हमें क्या डरना चाहिए? फहुआ रद्द। उसी तरह बाज जगहों पर ऐसे लोग बैठते हैं, बैठ करके अपनी गर्दन को झटका दे देकर कहते हैं अल्लाह अल्लाह, देखा है आपने कभी? अब जब उनसे कहा जाते बोले अल्लाह अल्लाह तो कर रहे, क्या गलत है इसमें? क्या गलत है? बोले अल्लाह अल्लाह तो कर रहे हैं वो लोग। तरीका, अगर ऐसा तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, सहाबा इकराम ने किया, वो लोगों ने उस रास्ते पर चले, हम भी रास्ते पर चलेंगे, हम भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर नहीं किया, और जो नहीं किया उन्होंने, तो फिर तो हमें डर नहीं लग रहा है? ये दीन इबादत है, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, और जिक्र में कोई ऐसा जिक्र भी नहीं है, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह नाम का कोई ऐसा जिक्र भी साबित नहीं, क्योंकि ये भी इबादत है। ये हो गए पांच। फर्स्ट पॉइंट क्या था? देखे बगैर बताओ। टाइम, नंबर, प्लेस, जगह, मटीरियल, नंबर पांच उसका करने का तरीका, हाँ, कंडीशन, नंबर छह तरतीब, सीक्वेंस। जो चीज आगे है वो आगे रहेगी, जो चीज पीछे है वो पीछे रहेगी। मिसाल के तौर पे वजू करते हैं, अगर कोई बोले मैं पहले पांव धो लूंगा, फिर मैं हाथ धोऊंगा, बीच में फिर मुंह धोऊंगा, तो चलेगा क्या? सब सेम, सब करें, लेकिन थोड़ा आगे पीछे, तो तरतीब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी दीन में नई चीज। नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने में कोई आगे की चीज पीछे, पीछे की चीज आगे करे, तरतीब बदलना भी नहीं अलाउड है। तरतीब भी बदलेंगे ना, फहुआ रद्द, रिजेक्टेड। हाँ, जो है वही रहेगा तो ही चलेगा, उसमें नई चीज लाएंगे तो क्या होगा? वो रिजेक्ट हो जाएगा। हो गए पांच, छह। अच्छा ये बता दूं, ये छह की जो तरतीब है ना, ये कुरान हदीस वाली नहीं है, मामले में आगे पीछे कर सकते हैं आप। हाँ, याद करने में कभी याद नहीं आ रहा है ना, बाद में पीछे की चीज पहले याद आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी रिविजन करते हैं। फर्स्ट, टाइम, नंबर दो, नंबर, प्लेस,
मटेरियल कंडीशन उस, हाँ, और उसकी तरतीब सीक्वेंस। नंबर सात, सबब वजह कॉज। के मिसाल के तौर पर आपको कोई खाने की दावत देता है, आपको भाई रोज रोज तो दावत नहीं देते हो, आज क्या बात है, और वो कहे कि देखो हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद आज इतने दिन खत्म हुए हैं इसीलिए हम खाना रख रहे हैं। अच्छा पहले ये सवाल का जवाब बताओ, ये इंतकाल हुआ ये कोई नया मसला है क्या? पहले 1400 साल पहले इंतकाल होता था कि नहीं होता था, या आज के जमाने का नया मसला है? हाँ 1400 साल पहले भी इंतकाल होते थे लोगों के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा फिक्र थी मरने वालों की, वो लोग फिक्रमंद थे। हरीसुन अलैकुम नबी सल्लम के बारे में अल्लाह ने कहा कि फिक्रमंद है तुम्हारे लिए। तो जो तरीका उन्होंने बताया ना क्या करना है, तो सब अब खाना कोई खिला रहा है, क्यों खिला रहा है, वजह भी होनी चाहिए कुरान हदीस से। अगर कुरान हदीस से है तो कबूल है, और नहीं है अगर वजह तो फिर फहुआ रद। कोई नमाज पढ़ते मिलता है आपको रात में, आप कह रहे रोज रात तो नमाज नहीं पढ़ते, आज क्या बात है, वो कहते हैं आज फला फला रात है। अगर कोई कहे तो जो रात हम पढ़ रहे हैं वो वजह कुरान हदीस से होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो ये नहीं देखेंगे नमाजी तो पढ़ रहे हैं, ये देखेंगे कि ऐसी चीज है ऐसी वजह के तहत पढ़ रहे हैं, ऐसी वजह के तहत पढ़ रहे हैं जो कुरान हदीस में नहीं, फहुआ रद्द हो जाएगा, इट इज रिजेक्टेड हो जाएगा। तो हम सबको डरना चाहिए मेरे भाइयों। ये सात किस्म की चीजें हमने देखा, सातों का एक रिविजन कर। फर्स्ट पॉइंट टाइम, नंबर दो नंबर, नंबर तीन पासवर्ड में ऐड कर देते हैं, बाज लोग रिपीट नहीं कर रहे हैं। हाँ बाहर निकलना है तो रिविजन करके जाओ इंशाल्लाह। फर्स्ट टाइम, नंबर दो नंबर, नंबर तीन प्लेस, नंबर चार मटेरियल, नंबर पांच कंडीशन उसका करने का तरीका, नंबर सिक्स सीक्वेंस तरतीब, नंबर सात पॉज। वेरी गुड माशाल्लाह बारकअल्लाह, बहुत खुशी हुई मुझे। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।